हेलो चिल्ड्रंस, मैं अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 1111111 नंबर से ताजमहल का चित्र बनाना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। आपको करना क्या है, पहले आपको ऐसे हॉरिजेंटल करके 1-1 लिखना है। अब यहाँ तक हो गया प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आपका कोई भी सुझाव तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों। और हाँ प्यारे बच्चों, ताजमहल का बनाने से पहले आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपको जो है ताजमहल की स्पेलिंग आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना होगा, ऐसे ऊपर की तरफ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए। इसी तरह सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे भी रिपीट करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी आप ऐसे कर दीजिएगा। ताजमहल की स्पेलिंग के साथ साथ में आप हमें ये भी कमेंट करके बताइएगा कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था और इसका निर्माण कहाँ हुआ है प्यारे बच्चों, ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। ये हो जाने के बाद फिर इसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आपको ऐसे रिपीट करना, बहुत ही आसान तरीका। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा तो आपको जो है हॉरिजॉन्टल 1-1, यानी कि आपको इसे हॉरिजॉन्टल 1-1 लिखना है, इसकी हेल्प से ताजमहल बनाना आ जाएगा। वो भी बहुत ही आसान तरीके से, आप ऐसे इसको लास्ट तक देखते रहिएगा प्यारे बच्चों, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। फिर यहाँ से हम ऐसे ट्रायंगल शेप में देते हुए यहाँ पे बना देंगे। इसी तरह आपको जो है यहाँ पे भी रिपीट करना होगा, यहाँ पे भी ऐसे ट्रायंगल शेप में दे दीजिए। आपको चारों में जो है ऐसे ट्रायंगल शेप दे दीजिएगा प्यारे बच्चों। ट्रायंगल बनाना तो आपको आता ही होगा, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, ये हो गया हमारा, यहाँ पे भी कर दीजिएगा और यहाँ पे भी कर दीजिए। अब देखिए, ये हो जाने के बाद यहाँ से आपको एक ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ करना है, एक सीधी लाइन यहाँ ड्रॉ करिएगा, एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। अभी मिनटों में ताजमहल बन जाएगा प्यारे बच्चों, बस बहुत बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और आप हमें जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करिए, एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। बस आपको सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करना है प्यारे बच्चों, और बहुत ही ध्यान से देखते रहिएगा, स्किप नहीं करना है प्यारे बच्चों। अगर आपने स्किप कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। फिर यहाँ से आप नीचे की तरफ भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ तक हो गया हमारा, फिर इसको हम यहाँ से ऐसे हल्का सा डबल कर देंगे प्यारे बच्चों। डबल करने के बाद देखिएगा, यहाँ पे भी आपको एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करना। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल का यूज करिए प्यारे बच्चों। ये हो जाने के बाद इसको आगे की तरफ बढ़ाकर हम यहाँ पे भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे भी आपको ऐसे डबल करना है प्यारे बच्चों। बस आपको लाइन लाइन ड्रॉ करना है और इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करना है, इसको डबल कर देना है प्यारे बच्चों। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आपको ऐसे रिपीट करना है, इसी तरह आप यहाँ पे नीचे भी कर देंगे प्यारे बच्चों। ये हो जाने के बाद यहाँ पे आपको प्यारे बच्चों एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है। फिर इसके बाद यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। आप स्केल का यूज़ ज़रूर करिएगा प्यारे बच्चों, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आप हमें ताजमहल की स्पेलिंग और इसका निर्माण कहाँ हुआ है और इसका निर्माण किसने करवाया है प्यारे बच्चों, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे मिला देंगे, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रिपीट करना आपको, बहुत ही आसान तरीका है प्यारे बच्चों। यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, फिर इसके बाद एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिए, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है आपको। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी से छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे भी आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये ड्रॉ करने से पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे आप एक ऐसे गुंबद बना देंगे, गुंबद यहाँ बना दीजिए, एक गुंबद आपको यहाँ बनाना होगा प्यारे बच्चों। अगर आपके पास स्पेस है तो ये आपको दो बार बनाना होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये हो जाने के बाद यहाँ से एक ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ करिएगा, जिसके बाद एक बड़ा सा गुंबद यहाँ पे बना देंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे ये हो गया एक गुंबद यहाँ, फिर इसके बाद यहाँ पे एक ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। चाहे तो आप यहाँ पे डिज़ाइन भी बना सकते हैं प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद यहाँ पे मिलाइए और एक गुंबद यहाँ बना दीजिए, ये हो गया 1-2। इसके बाद यहाँ पे तीसरा, तो ये हमारा ताजमहल बनके तैयार हो गया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों।